अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू गो मैथ यूट्यूब चैनल। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, ये एक्सरसाइज 2.5 है, तो इसको भी हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डेरिवेटिव्स हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, ये इधर से ही देख लें कि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है। ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर है, और कॉट का डेरिवेटिव जो है वो माइनस कॉसिक स्क्वेयर एक्स है। उसके बाद कॉसिक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स है। ठीक है, ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं, पहले आपने यही याद करने हैं। उसके बाद इसके इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव हैं, लेकिन वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगे, हम उसको तभी जो है वो रिव्यू कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो है हमारे पास 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका उसके सिक्स पार्ट्स हैं, उनमें से फर्स्ट ही है ये पार्ट मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है इसको हमने, जाहिर सी बात है वाई के इक्वल नहीं दिया हुआ, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है जी साइन 2x। ठीक है, इसको सबसे पहले हमने लेट कर लेना है। ठीक है, तो हमने जी इसको लेट कर लिया कि हमारा जो फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या था, हम इसमें डेल्टा y ऐड करते थे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब हम डेल्टा वाई यहीं रखेंगे और वाई को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, वाई को उस साइड पे लेके गए तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वाई आ गया साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स। वाई को उधर ले जाके वाई की वैल्यू ही माइनस कर दें। ठीक है, वाई की वैल्यू है साइन 2x, ये माइनस साइन 2x। ठीक है, अब ये हमारे पास डेल्टा वाई आ चुका है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ी क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, चलें जी, इसमें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फोर स्टेप हैं। पहले हमने डेल्टा ऐड करना है, फिर हमने उसको सिंपलीफाई करना है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। फिर थर्ड स्टेप में हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमने लिमिट अप्लाई करवा देनी है, वो हमारा डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें ये देखें कि ना साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x, ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ये फार्मूले किए थे 10 चैप्टर के अंदर, और उसमें 10.4 एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन थे। ठीक है, सम और डिफरेंस वाले। डेल्टा वाई देखें, अगर दो साइन के फंक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दो साइन वाले फंक्शन माइनस हो रहे हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला ये है कि टू कॉस पहले आएगा। ठीक है, टू कॉस वो था साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो फार्मूला था टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अब यहाँ पे अल्फा क्या, अल्फा जो है वो 2x प्लस डेल्टा एक्स है, बीटा जो है वो 2x है। लेट्स सपोज कर लें कि ये हमारे पास अल्फा है, ये वाली वैल्यू हमारे पास बीटा है, तो फार्मूला आएगा टू कॉस। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे देखें साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल है टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू। ठीक है भाई, ये हमारे पास फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। टू कॉस यहाँ पे आ जाएगा जी 2x प्लस डेल्टा x, मीन्स के अल्फा लिख लिया, प्लस बीटा ओवर 2। ठीक है, इन टू साइन 2x प्लस डेल्टा x, ये माइनस 2x ओवर 2 आ जाएगा जी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये तो मैंने फार्मूला लिखा था, ये तो मैंने फार्मूला लिखा था, अब ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू टू कॉस। ठीक है, ये भाई 2x, 2x कितना हो गया 4x, 4x प्लस डेल्टा x ओवर 2। ठीक है, इन टू
साइन गेट माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स से कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स ओवर टू आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। अब हम ऐसे करते हैं कि इसका बटा भी टू, इसका बटा भी टू, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें टू कॉस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू, ठीक है भाई। यहाँ पे जो है हम एक मिस्टेक करके आए हैं, वो मिस्टेक कौन सी है, वो ये है कि 2x जो है असल में ऐसे आना था ये और ये, ठीक है ये ऐसे, अब ये होना था यहाँ पे 2x माइनस टू एक्स, ये 2 डेल्टा x से भी मल्टीपल होना था, उसने यहाँ पे 2 होना था, ठीक है। और ये भी यहाँ पे ये तो प्लस हो गया, लेकिन इस 2 ने यहाँ भी मल्टीपल होना था, ठीक है। इसको आप ठीक कर लें, ये हो जाएगा जी हमारे पास 2, ठीक है। चलें जी अब ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे 2 cos 2x प्लस डेल्टा x, ये उसका भी 2 था, तो इसको मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, साइन यहाँ पे डेल्टा x आ गया, ठीक है। एक स्टेप इसका और बढ़ जाएगा, वो आ जाएगा जी cos 2x प्लस डेल्टा x, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, इन टू साइन डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो स्टेप है ना, ये आ चुका है, ठीक है जी। जी तो ये डेल्टा वाई, अब हमने क्या करना है, अब भाई हमने थर्ड स्टेप आपको याद होगा फर्स्ट प्रिंसिपल का, कि हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x, हमने डिवाइड करना है, तो क्यों ना हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें, ठीक है भाई। यहाँ पे भी डिवाइड कर देते हैं स्टार्ट में, और लास्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये डिवीजन में आ गया जी। अब हमने लास्ट स्टेप क्या करना होता है कि लिमिट अप्लाई करवानी है, क्या लिमिट अप्लाई करवानी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करवाएगा 0, ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच इज टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच इज टू 0, यहाँ पे आ जाएगा भाई ब्रैकेट लगा लें 2 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे ना ये साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब जो है ना, अब लिमिट जो है वो अलग अलग अप्लाई करवा दें भाई, वो कैसे भाई, ये तो हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे ये इस पे हम लिमिट अप्लाई इस पे कर देते हैं, ठीक है। चलें जी इसको मैंने ना अलग अलग लिमिट अप्लाई करवा दोनों फंक्शंस के ऊपर, 2 cos 2x प्लस डेल्टा x, ठीक है, यहाँ पे आ गया जी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 sin डेल्टा x ओवर डेल्टा x, ठीक है। अब ये तो साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म बन रही है, ये तो हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ हम डेल्टा x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, बाकी हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। चलें जी नेक्स्ट पेज पे देखें इसको जी। तो यहाँ पे डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स जो है वो इक्वल हो चुका है 2 कॉस 2x प्लस डेल्टा x था, इसकी जगह पे 0 आ गया, आगे साइन थीटा और थीटा फॉर्म थी वो 1 हो चुकी है, तो ये भाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस 2x, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो ये एक और इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसका और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमने जो है वो ऐसे ही बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ही सॉल्व करना है, ठीक है। इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा फंक्शन जो है ये y के इक्वल है tan 3x, ठीक है, तो इसमें भी वही प्रोसेस y प्लस डेल्टा y, ठीक है, tan 3x प्लस
डेल्टा एक्स, ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे क्योंकि थ्री दोनों के साथ मल्टीपल होना है। तो यहाँ पे भाई डेल्टा वाई हम यहीं रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा टेन थ्री एक्स प्लस थ्री डेल्टा एक्स, माइनस वाई करेंगे तो वाई की वैल्यू माइनस कर देंगे, वो हो जाएगी टेन थ्री एक्स, ठीक है। अब ये टेन है, टेन जो है वो हमारा इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा साइन थ्री एक्स प्लस थ्री डेल्टा एक्स, ठीक है, ओवर यहाँ पे आ जाएगा जी कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस साइन थ्री एक्स ओवर कॉस थ्री एक्स, ठीक है जी। ये हमने जो है वो सिंप्लीफिकेशन कर ली है इसको, टेन को साइन ओवर कॉस में चेंज किया अभी जस्ट। अब हम लेंगे जी इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई डेल्टा वाई, ठीक है, इनका एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा हमारा इसका एलसीएम। ये कैंसल, ये ऊपर मल्टीपल हो जाएगा भाई साइन थ्री एक्स प्लस थ्री डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस, अब ये कॉस थ्री एक्स कैंसिल होगा तो ये वैल्यू ऊपर मल्टीपल होगी, अब आ जाएगा जी ऊपर साइन का थ्री एक्स, ठीक है, उसके बाद भाई कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू बनी है ये फार्मूला है किस चीज़ का भाई, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये मैंने बाद में लिख दिया, फिर से सुन लें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो अब इनको हमने फार्मूले में बंद करना है, ये साइन वाला फार्मूला है और माइनस वाला है, ठीक है, वो साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला क्या था, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब इसमें अल्फा क्या है, ये वाली वैल्यू अल्फा है और ये वाली वैल्यू जो है ये बीटा है, ठीक है, यहाँ पे थ्री एक्स जी। अब ये साइन थ्री एक्स प्लस थ्री डेल्टा एक्स, ये साइन अल्फा माइनस बीटा वाला था फार्मूला, इसमें बीटा जो है वो थ्री एक्स है, थ्री एक्स, ठीक है, ओवर में, ओवर में हमारे पास आ जाएगा जी कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू में से ये थ्री एक्स से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, बाकी जो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन थ्री डेल्टा एक्स ओवर कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड करवाना है बोथ साइड, ठीक है, डिवाइड बाय बाय डेल्टा एक्स जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये मैं ना ऐसे करता हूँ कि वन ओवर कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री डेल्टा एक्स, ये वाली वैल्यू मैंने लिख ली, ये साइन थ्री डेल्टा एक्स को मैं ना लास्ट पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए साइन थ्री डेल्टा एक्स, अब यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स को डिवाइड करा देता हूँ। भाई मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे ये साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म बनाऊंगा, मैं वो बनाना चाहता था इसलिए मैंने इसको लास्ट पे लिखा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको कॉस के साथ तो लिख नहीं सकता, साइन के साथ ही इसने आना है, ये तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर ये ऐसे ही साइन के साथ इसने लिखा जाना है, ठीक है जी। तो ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, अच्छा यहाँ पे जो है ना हमें थीटा ओवर थीटा फॉर्म बनानी है, यहाँ पे थ्री डेल्टा एक्स है तो हमें बटे में भी थ्री होना चाहिए हमारे पास, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम थ्री से मल्टीपल भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, जस्ट मैं इसको थ्री से मल्टीपल भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ, वन ओवर कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री डेल्टा एक्स, ठीक है जी, यहाँ पे साइन थ्री डेल्टा एक्स, ये मैंने थ्री को ये डिवीजन में लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने मल्टीपल भी कर दिया,
कि मल्टीपल और डिवीजन मतलब एक ही वैल्यू को हम सेम टाइम में मल्टीपल भी करेंगे उसको डिवाइड भी करेंगे, ठीक है जी। अब हम लिमिट अप्लाई करवाएंगे, अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड जी, लिमिट ऑन बोथ साइड अब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास फंक्शन था डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको हमने लिमिट अप्रोच करवाई, डेल्टा एक्स अप्रोच इज टू ज़ीरो, ठीक है। इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच इज टू ज़ीरो, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी कॉज थ्री एक्स, ठीक है, एंड कॉज थ्री एक्स प्लस थ्री डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसको मैं ना यहीं पे दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग लिमिट अप्लाई करवा रहा हूँ। ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, यहाँ पे डॉट थ्री यहाँ पे आ गया जो हमने मल्टीपल किया था, ठीक है। और ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा जी साइन थ्री डेल्टा एक्स ओवर थ्री डेल्टा एक्स, ठीक है जी। अब ये हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, ये वन ओवर कॉज थ्री एक्स, ये कॉज थ्री एक्स प्लस यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। डॉट थ्री इंटू यहाँ पे तो हो गया ना वन, क्योंकि साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म बन रही थी जी। डी वाई बाय डी एक्स ये थ्री आ जाएगा जी स्टार्ट में, कॉज ये कॉस थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स से मल्टीपल हुआ कॉस स्क्वायर थ्री एक्स, इसको ऊपर ले जाएं थ्री, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थ्री एक्स, तो ये हमारा भाई डी वाई बाई डी एक्स ये आंसर है।